हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सेव्य कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव्य मेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक के बारे में। हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक का इस्तेमाल मूविंग मशीनरी के स्पीड को कम करने और मशीन को डिजायर्ड पोजिशन पर रोकने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रायः ईओटी क्रेन में, स्टेकर रिक्लेमर में, कन्वेयर ड्राइव में, कोकोन के पुशर कार में और हैवी लिफ्टिंग इक्विपमेंट में किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक थ्रस्टर के वर्किंग प्रिंसिपल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं थ्रस्टर कैसे काम करता है। हाइड्रोलिक थ्रस्टर या जिसे हम थ्रस्टर भी कहते हैं का इस्तेमाल मूविंग मशीनरी के स्पीड को कम करने और मशीन को एक्यूरेट पोजीशन में रोकने के लिए किया जाता है। जब रोटेटिंग ब्रेक ड्रम के ऊपर प्री स्ट्रेस्ड कंप्रेशन स्प्रिंग की सहायता से ब्रेक शू पर ब्रेकिंग फोर्स लगाया जाता है, तब ब्रेक ड्रम का स्पीड धीरे धीरे कम होता है, अंत में घूमना बंद हो जाता है। स्प्रिंग को कंप्रेस या रिलीज करने का काम थ्रस्टर की सहायता से किया जाता है। आइए हम देखते हैं थ्रस्टर ब्रेक के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इस चित्र में थ्रस्टर ब्रेक के कंपोनेंट्स के बारे में दिखाया गया है। जैसे ये माउंटिंग बेस है, ये ब्रेक स्प्रिंग है, ये थ्रस्टर है और ये मेन आर्म या मेन लीवर है, ये डस्ट गार्ड है और ये लीवर है, ये टाई रॉड और ये एडजस्टिंग नट है और ये ब्रेक शू और ये उसका लाइनर है, ये हिंज स्प्रिंग है और इसे साइड आर्म कहते हैं और ये ब्रेक शू का बेक स्टॉप है और यहाँ इसको हम बोलते हैं आर्म बेक स्टॉप। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे देख सकें, क्योंकि इस प्रकार कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी बहुत कम मिलती है। अभी हमने हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक के कंपोनेंट्स के बारे में देखा। अब हम हाइड्रोलिक थ्रस्टर के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये लग है, मोटर है, इंपेलर, पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रॉड और पिस्टन रॉड हेड है और ये वाइपर है। और इसी प्रकार इधर में एक टॉप लेविस लग है, मोटर है और पुश रॉड, पिस्टन और टाइम लैग और इम्पेलर है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक थ्रस्टर कैसे काम करता है। जैसे ही थ्रस्टर के मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू होता है तो मोटर घूमने लगता है और मोटर के शाफ्ट से इम्पेलर कनेक्टेड रहने के कारण इम्पेलर भी घूमने लगता है। जब इम्पेलर घूमता है तो हाइड्रोलिक ऑयल में प्रेशर डेवलप होता है और यह ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशराइज होने के कारण पिस्टन में फोर्स लगाता है और पिस्टन ऊपर उठने लगता है, जिससे पिस्टन रॉड भी ऊपर उठता है। पिस्टन रॉड से ऑपरेटिंग लीवर कनेक्ट रहता है और थ्रस्टर में एक्चुएशन के कारण ऑपरेटिंग लीवर में भी एक्चुएशन होता है, जिससे ब्रेक शू में अपने स्ट्रोक के अनुसार मूवमेंट होता है। जैसे ही थ्रस्टर के मोटर में सप्लाई बंद होता है तो इम्पेलर का घूमना बंद हो जाता है और हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशराइज हो जाता है और पिस्टन तथा पिस्टन रॉड अपने पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं और ब्रेक शू में एक्चुएशन होने के कारण यह ब्रेक शू के स्पीड को धीरे धीरे कम करता है और अंत में बंद कर देता है। इस एनिमेशन की सहायता से थ्रस्टर ब्रेक के फंक्शन को हम समझ सकते हैं। ब्रेक डिस्क को गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट में फिक्स करते हैं और यह मोटर के साथ कपल होता है। जब तक थ्रस्टर के मोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई रहता है तब तक पिस्टन ऊपर उठा रहता है, जिससे आर्म कनेक्ट रहने के कारण यह साइड आर्म को पुश करके रखता है और ब्रेक ड्रम फ्रीली रोटेट करता है। जैसे ही थ्रस्टर के मोटर में सप्लाई बंद होता है तो पिस्टन में एक्चुएशन होने के कारण ऑपरेटिंग लीवर में एक्चुएशन होता है और साइड आर्म को अंदर की तरफ खींच लेता है और ब्रेक शू ब्रेक ड्रम से चिपक जाता है और मशीन का स्पीड धीरे धीरे कम होकर अंत में बंद हो जाता है।
इस टेबल में DIN स्टैंडर्ड 15435 के अनुसार ब्रेक ड्रम का डायमीटर और ब्रेक शू का स्ट्रोक का मूवमेंट कितना होना चाहिए उसे दिखाया गया है। ऊपर वाले रो में ब्रेक ड्रम का डायमीटर और नीचे वाले रो में ब्रेक शू का स्ट्रोक का वैल्यू दिया है, वो दोनों MM में है। एग्जाम्पल के लिए यदि मान लो ब्रेक ड्रम का डायमीटर 250 mm है, तो उसका जो ब्रेक शू का स्ट्रोक का जो मोमेंट होगा वो है 1.25 mm। उसी प्रकार मान लो ब्रेक ड्रम का डायमीटर 400 mm है, तो ब्रेक शू का जो स्ट्रोक का मोमेंट होगा 1.60 mm होगा। आशा करता हूँ आपको हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके 1% भी काम का लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स तथा फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।